माइंडफोर जीके पर जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। वेलकम फाइंडर्स, आप देख रहे हैं माइंडफोर जीके। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तिरंगे के अपमान की क्या सजा है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इसे कम्प्लीट जरूर देखें। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसे वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें। और आप हमारे जीके के ऐप को भी डाउनलोड जरूर कर ले, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 से 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों ही। भारतीय कानून में तिरंगे के सम्मान के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति नियम के विरुद्ध जाकर तिरंगे का अपमान करता है तो कानून में उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। झंडे का अपमान करने पर व्यक्ति को 1 साल से लेकर 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान है। केस की गंभीरता को देखते हुए जेल की सजा या जुर्माना का फैसला किया जाता है। अगर आरोप अधिक गंभीर है तो व्यक्ति को जेल की सजा के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ता है। भारतीय संविधान में झंडे के सम्मान के लिए 1971 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 पास किया गया था। इस नियम में विस्तार से बताया गया है कि किस स्थिति में झंडे का अपमान माना जाएगा तथा झंडे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई है। राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 में झंडे के अपमान को रोकने के लिए बनाई गई कानून की धारा 2 के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक जगह पर या कहीं भी खुले में या किसी के सामने भारतीय झंडे या उसके किसी भी भाग को जलाता या काटता, तोड़ता, मरोड़ता, मर्यादा भंग करता, विरूपित करता, खंडित करता, रौंदता या किसी अन्य प्रकार से अपमान करता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति भौतिक रूप से नुकसान न पहुंचाकर अगर मौखिक रूप से ही झंडे का अपमान करता है तो उसे भी सजा दी जाएगी। इसके अलावा अपने क्रियाकलापों के द्वारा भी अगर झंडे के अपमान का दोषी पाया जाता है तो सजा का प्रावधान है। 2002 में झंडे से संबंधित एक और नियम बनाया गया था, उसे भारतीय ध्वज संहिता 2002 के नाम से जाना जाता है। इसमें भी झंडे के सम्मान और झंडे फहराने के नियम इत्यादि के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना तिरंगे के अपमान की सजा क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।